भारत ने सेंट क्वीन केटेवान के होली रेलिक को जॉर्जिया सरकार को सौंपा है। सेंट क्वीन केटेवान के ये पवित्र अवशेष 2005 में यहां के सेंट ऑगस्टिन चर्च से ही मिले थे। साथियों, जब गोवा की आजादी के लिए संघर्ष हुआ तो सब मिलकर एक साथ लड़े, एक साथ संघर्ष किया था। विदेशी हुकूमत के खिलाफ पिंटोज क्रांति को तो यहां के नेटिव क्रिश्चियन ने ही लीड किया था। यही भारत की पहचान है। यहां मत मतांतर सबका एक ही मतलब है, मानवता की सेवा, मानव मात्र की सेवा। भारत की इस एकता, इसी मिलीजुली पहचान की तारीफ पूरी दुनिया करती है। अभी मैं कुछ समय पहले इटली और वेटिकन सिटी गया था। वहां मुझे पोप फ्रांसिस जी से मुलाकात का अवसर भी मिला। भारत के प्रति उनका भाव भी वैसा ही अभिभूत करने वाला था। मैंने उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया। और मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, जो उन्होंने मेरे निमंत्रण के बाद कहा था, पोप फ्रांसिस ने कहा था, दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू हैव गिवन मी। ये भारत की विविधता हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के प्रति उनका स्नेह है। While praising Chief Minister Pramod Sawant and his team, Prime Minister Narendra Modi said Goa was known for its natural beauty, but said now Goa has got full marks for being ODF free, 100% Aadhaar enrollment, food security, Prime Minister Gram Sadak Yojana, all weather road connectivity, and 100% COVID vaccination first dosage coverage. He also chose to underline that had Vallabhai Patel been alive, Goa would not have to wait so long for liberation. आज मैं इस अवसर पर ये भी कहूंगा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ वर्ष और जीवित रहते तो गोवा को अपनी मुक्ति के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। वो गोवा की एक और पहचान सशक्त कर रही है। ये नई पहचान है हर काम में अव्वल रहने वाले, टॉप करने वाले राज्य की पहचान। बाकी जगह जब काम की शुरुआत होती है या काम आगे बढ़ता है, गोवा उसे तब पूरा भी कर लेता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर लोगों की पसंद तो गोवा रहा ही है, लेकिन अब गुड गवर्नेंस का सवाल हो तो गोवा टॉप पर है। पर कैपिटा इनकम हो तो भी गोवा टॉप पर। ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट के तौर पर गोवा का काम 100%। लड़कियों के लिए स्कूलों में अलग टॉयलेट की सुविधा हो, गोवा 100% फुल मार्क्स। डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन हो, यहां भी गोवा 100%। हर घर जल के लिए नल कनेक्शन हो, इसमें भी गोवा 100%। आधार एनरोलमेंट में भी गोवा का काम 100% pura. Prime Minister also felicitated 5 freedom fighters and 2 army men who had participated in Operation Vijay for liberation of Goa. He also virtually inaugurated projects worth 6,500 crore rupees, which included the super speciality hospital and the South Goa District Hospital.